तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है इसका बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार भी स्विच बोर्ड का वायरिंग करने की सोच रहे हैं तो भी आप आसानी से एक ही बार में सीख जाएंगे कि स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो एक्सटेंशन स्विच बोर्ड है इसमें 3 5 पिन सॉकेट लगा है और 3 स्विच लगा हुआ है जिसका वायरिंग करने का मैं आपको आसान से भी आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि फेज आपको कहां पर देना है और न्यूट्रल आपको कहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 सॉकेट 3 स्विच लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने वायर को छील कर पहले से रेडी कर लिया ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दोस्तों फेज की सप्लाई का कनेक्शन करना है। ठीक है, तो फेज आपको कहां पर देना है, आपको स्विच में देना है। स्विच में कहां पर देना है, बीच वाले पॉइंट में ही देना है। अब दोस्तों स्विच में फेज का सप्लाई ही क्यों देना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले फेज की सप्लाई के लिए स्विच के बीच वाले पॉइंट में एक वायर जोड़ना है और वहां से दूसरे स्विच में जोड़ना है। ठीक है, यानी कि जितना भी स्विच लगा होगा वहां पर प्रत्येक स्विच में आपको एक सीरीज में वायर जोड़ना है। तो पहले स्विच से हम वायर को दूसरे स्विच में जोड़ेंगे और दूसरे स्विच से हम तीसरे स्विच में जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें डबल वायर ज्वाइंट कर दिया हूँ क्योंकि इसी पॉइंट से हमें अगले स्विच में भी वायर ले जाना है ना फेज की सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इस वायर को तीसरे स्विच में भी ले जाता हूँ। अगर चौथा स्विच रहता तो यहाँ से मैं चौथा स्विच में ले जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्विच है तो 3ों स्विच में मैंने सीरीज में वायर जोड़ दिया। ठीक है, फेज की सप्लाई के लिए। तो इस तरह से आपको स्विच के बीच वाले पॉइंट से फेज की सप्लाई के लिए सीरीज में वायर जोड़ देना है जितना भी स्विच हो। ठीक है, तो ये हमारा फेज इसमें आ गया। अब हम न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ेंगे। तो न्यूट्रल की सप्लाई के लिए हम सॉकेट में जोड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल की सप्लाई के लिए हम यहाँ पर ब्लू वायर यूज करें। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ पर हम सॉकेट में जो 2 लेग होता है ना, दो टर्मिनल होता है, आप कोई सा भी टर्मिनल में वायर जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक वायर को जोड़ दिए हैं। अब उस सॉकेट से हम अगले सॉकेट के कोई सा भी 1 लेग में हम जोड़ेंगे। ठीक है, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें जोड़ें या उसमें जोड़ें, आपकी मर्जी, आपको बस 2 में से 1 लेग में ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सॉकेट से दूसरे सॉकेट में ले जाए हैं। अब वहाँ से हम एक एक्स्ट्रा वायर जोड़कर दूसरे सॉकेट से तीसरे सॉकेट में जोड़ेंगे, जिस तरह से हमने स्विच में जोड़े हैं ना सीरीज में वायर, ठीक इसी प्रकार से हम सॉकेट टू सॉकेट यहाँ पर हम सीरीज में वायर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल की सप्लाई आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर अभी सप्लाई वायर को अभी जोड़ देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फेज की सप्लाई किस में जा रहा है और न्यूट्रल की सप्लाई किस में जा रहा है। तो यहाँ पर हम फेज की सप्लाई के लिए येलो वायर का यूज कर रहा हूँ और न्यूट्रल की सप्लाई के लिए ब्लू वायर का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो सेम एक ही कलर का वायर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 अलग अलग कलर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फेज की सप्लाई कहाँ जोड़ना है, सॉकेट में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि यानी कि स्विच में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। स्विच में जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बना हुआ है ना, 3ों स्विच में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही स्विच में यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ से सप्लाई वायर के थ्रू यहाँ पर हमारा फेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ेंगे। तो न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ पर जोड़ना है, तो दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई के लिए हम ब्लू वायर यूज कर रहे हैं। तो ब्लू वायर दोस्तों यहाँ पर सॉकेट में दिए हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई के लिए वायर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, फेज और सप्लाई तो हमने यहाँ पर दे दिया है, लेकिन एक कमी यहाँ पर है अभी, है ना, क्योंकि सॉकेट में फेज की सप्लाई अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो फेज हमें कहाँ से मिलेगा, स्विच से मिलेगा, क्योंकि हमने फेज की सप्लाई स्विच में दिया है। तो हम प्रत्येक स्विच से एक वायर जोड़कर सॉकेट में जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले स्विच से पहले सॉकेट में जोड़ेंगे, दूसरे स्विच से दूसरे सॉकेट में जोड़ेंगे और तीसरे स्विच से तीसरे सॉकेट में जोड़ देंगे। ठीक है, सामने सामने के जो भी स्विच है उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम फेज की सप्लाई स्विच में दिए हैं, तो स्विच का एक पॉइंट बचा हुआ है ना, तो ये नीचे में हम एक वायर जोड़ेंगे, यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज की सप्लाई हमारा सॉकेट में चला जाएगा, जबकि सॉकेट में न्यूट्रल की सप्लाई पहले से हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम इस वायर को सॉकेट की ये वाली लेग में जोड़ देते हैं जिसमें कि हमारा फेज यहाँ से आ जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम दूसरे स्विच में एक वायर जोड़ेंगे और अगले सॉकेट के जो लेग यहाँ पर खाली है ना, यहाँ पर
जोड़ देंगे, जहाँ से फेज की सप्लाई इस सॉकेट में भी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम तीसरे स्विच में नीचे में हम एक वायर जोड़कर जो लास्ट वाला सॉकेट है वहाँ पर हम एक वायर जोड़ देंगे, जिससे कि फेज की सप्लाई तीसरे सॉकेट में चला जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसका वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है, समझना आया हो तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। और रही बात इसका तीसरा पिन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन अर्थिंग के लिए होता है। अगर आपके घर में अर्थिंग का वायरिंग हुआ है तो आप इस तीनों में सीरीज में वायर जोड़ दीजिएगा और अर्थिंग वाली वायर को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर अर्थिंग का वायरिंग नहीं हुआ तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों फेज का सप्लाई हमने स्विच पर क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर फेज की सप्लाई स्विच में देने से फायदा ये होता है कि आप जब स्विच को ऑन करेंगे तभी करंट की सप्लाई सॉकेट में जाता है, ठीक है। ये कारण होता है स्विच में फेज की सप्लाई जोड़ने का। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।